गया, शक्ति घटने लगी और ऋण बढ़ने लगा। तब महाशय एक दिन सपरिवार चुपके से गांव हो गए और कोंकण में सागर तट अपनी जन्मभूमि पर झुग्गी नुमा अपने टूटे फूटे घर में रहने लगे। बंबई से अपने झुग्गी नुमा घर में आते समय बंबई से वह जो एकमात्र पूंजी अपने साथ लाया ले आए थे वह भी लॉटरी की लत। उसने कई बार लॉटरी के टिकट खरीदे थे लेकिन सफलता आज तक कभी उसके आसपास भी नहीं भटकी थी। तथापि लॉटरी का जो परिणाम घोषित किया जाता उसमें यह बात ही छापी जाती कि फलाने को 5,000 रुपए मिल गए। उस अलाने फलाने का गोविंदा को कुछ अता पता होता नहीं था, फिर भी कभी सपने में भी उसके मन में यह संदेह नहीं उभरा कि जो छपता है वह सत्य भी हो सकता है। पुराने रूढ़िवादी शास्त्र पुरोहित की अमुक बात बात 16 यानी सत्य सिद्ध करने का मोक्ष प्रमाण यही होता है कि यह बात पोथियों में लिखी गई है। उसी तरह देहाती लोगों के भी किसी भी बात की सत्यता का प्रमाण निसंदेह यह हो जाता है यह बात छपाई में प्रकाशित हो चुकी है। अतः फलाने को 5,000 रुपये मिल गए जैसी खबर छपाई में पड़ी हुई सुनकर गोविंदा अपनी कोठरी में पड़े पड़े उस फलाने के चेहरे की कल्पना करता। 5,000 रुपयों की इतनी बड़ी रकम अचानक उस अलाने फलाने के हाथ लगते ही उसका थोड़ा किस तरह शराब के नशे जैसा तर्र हुआ होगा। मिल के सेठ की तरह गाड़ी घोड़ा दौड़ाते हुए पूरी बंबई में घूमता होगा, किस तरह नाटक सिनेमा तमाशा देखने में मगन होगा, तुरंत वह निश्चित रहता। विद्वानों ने सच कहा है, चल गोंदू बेटा फिर एक बार कोशिश करके देख। तुरंत वह फिर एक बार किसी लॉटरी का रुपया अठन्नी का टिकट खरीदता। अचानक अपने हाथ 5,000 रुपए की रकम पड़ने की छपाई के अक्षरों में गोविंदा ग्वाला जैसा अपना नाम जगमगाता हुआ देखने की प्रतीक्षा में आशा के नशे का आनंद उठाने लगता। बंबई से लौटकर कोंकण स्थित अपने गांव में भी उसने भूखे प्यासे रहकर बचाए हुए रुपए अठन्नी में 2-3 बार लॉटरी के टिकट खरीदे थे। यदि उसे किसी ने टोका कि भाई तुम्हें खुद तो रोटी के लाले पड़े हैं, तब कुछ ना कुछ काम धंधा करना चाहिए या पेट पतला होने पर भी पेट पर पट्टी बांधकर लॉटरी में रुपए उड़ाना चाहिए, तो मन ही मन कहता भाई कुछ व्यवसाय करूं तो इसके लिए आवश्यक पूंजी कहाँ से लाऊं। यह एक भैंस खरीदी तो ससुरी 25-50 रुपए डकार चुकी है, इसका दूध बेचकर जैसे तैसे 5-10 रुपए गांठ में बांध सकता हूँ यह तो संभव है, पर भैया उसके बलबूते जिंदगी भर मैं अपनी 5,000 की रकम आंटी में लगा सकूंगा क्या? जिनके पास लाखों रुपए हैं उन धन्ना सेठों को तो लॉटरी में 5-10 रुपए फेंकने ही चाहिए, क्योंकि उनके लिए तो बे रुपए डूब भी गए तो उनको अधिकारी नहीं होगी। परंतु उन दरिद्र नारायणों को भी जिनके पास व्यवसाय के लिए नकद नारायण का अभाव है लॉटरी के व्यवसाय में 1-2 रुपए की पूंजी अवश्य लगानी चाहिए। इसी में बुद्धिमानी है, क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कोई व्यवसाय नहीं जिसमें टका भर पूंजी लगाने पर आज नहीं तो कल एक साथ 5-10 हजार रुपए अचानक प्राप्त होते हैं, और अगर है तो लॉटरी का ही व्यवसाय है। आज के बनिए की रातों रात ही लॉटरी कल का धन्ना सेठ बना देती है। क्या मुख व्यक्ति को इस तरह की रकम नहीं मिली थी, फलाने को मिली थी? क्या कभी झूठी खबरें थोड़ी छापी जाती हैं? उसके लिए जिसके पास ज्यादा से ज्यादा टके भर की ही पूंजी हो सकती है बस एक ही व्यवसाय लाभकारी है और वह है लॉटरी। इस तरह के विवेचन के साथ वह पुनः लॉटरी का टिकट खरीदता। ऐसा कई बार हुआ, परंतु किसी भी प्रकार मनुष्य द्वारा खरीदी हुई लॉटरी टिकट पर पुरस्कार नहीं मिला। अतः जो व्यक्ति लॉटरी का टिकट खरीदता है उसे निश्चित रूप से सफलता मिलने की इच्छा से अब की बार उसने प्राचीन काल से देवी लॉटरी अर्थात भगवान के नाम से दूसरा टिकट भी खरीदा। उसने मन्नत मांगी, यदि अब की बार इस मानवी लॉटरी के टिकट में उसके नाम का क्रमांक आया तो उसे कुछ पुरस्कार मिला तो हे बप्पा मोरिया, तुम्हारे नाम से 21 ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगा, मोदक खिलाऊंगा, संकट चोट का व्रत भी करूंगा। क्या मन्नत भी एक तरह से दैवी लॉटरी नहीं जो देवता के नाम चढ़ाई जाती है? मानवीय लॉटरी में तो सैकड़ों बार धोखा खाता है, पर कभी ना कभी भाग्य चक्र से 10,000 में से किसी एक को एकाध पुरस्कार मिल भी तो सकता है। मन्नत का भी यही हाल है, सैकड़ों बार मन्नत झुटलाई जाती है। जो मनुष्य बीमार होता है उसके स्वस्थ होने के लिए शायद 5-10 मन्नतें मांगी जाती हैं।
परंतु लाखों की संख्या में लोग बाग दम तोड़ते ही रहते हैं, उतनी ही संख्या में मन्नतें भी असत्य हो सिद्ध होती है ना। आम जनता के मुर्गे भेड़ बकरी की बलि चढ़ाने की मन्नत ही नहीं, अपितु बड़े बड़े राजा महाराजाओं के प्राणांत रोग महादान की मन्नतें भी असत्य सिद्ध होती हैं। पहले माधवराव पेशवा राजक्षमा जैसे असाध्य रोग से मरणासन्न थे। उतनी ही संख्या में मन्नतें भी असत्य सत्य होती है ना। आम जनता के मुर्गे भेड़ बकरी की बलि चढ़ाने की मन्नत ही नहीं, अपितु बड़े बड़े राजा महाराजाओं के प्राणांत रोग महादान की मन्नतें भी असत्य सिद्ध होती हैं। पहले माधवराव पेशवा राजक्षमा जैसे असाध्य रोग से मरणासन्न थे। तब गोपिका देवी उनकी माता श्री ने अखिल महाराष्ट्र राज्य के स्थान स्थान पर सहस्त्रों ब्राह्मणों को बैठा कर प्रत्येक मंदिर में अधिकारियों की कड़ी निगरानी में मृत्युंजय मंत्र की कोटि जाप कराया। परंतु कोटि की संख्या पूरी होने की खबर पहुंची ही थी कि माधवराव पेशवा गुजर गए, होनी होकर ही रही, सारी मन्नतें व्यर्थ हो गईं। पानीपत की युद्ध में यदि विजय मिल गई तो पेशवा ने बड़े बड़े देवी देवताओं के पास लाखों रुपयों में धर्मदान की मन्नत मांगी थी। परंतु वह सब किया कराया मटिया मेट हो गया और पानीपत में महाराष्ट्र की 2 लाख चूड़ियां टूट गईं। परंतु उन मन्नतों को हम भूल जाते हैं और पुत्र प्राप्त जीजाबाई की मांगी हुई भवानी माता की मन्नत संयोग बस सफल हुई और दिग्विजय शिवाजी महाराज का जन्म हुआ तो उस इक्की दुख की मन्नत पर कहानी रची जाती है, गोबाड़े गाए जाते हैं। जिस ज्योतिषी की लाखें भविष्यवाणियां असत्य सत्य होती हैं, उसी की एकाध भविष्यवाणी यदि तात्कालीय न्याय से सत्य सिद्ध हो गई तो विज्ञापन में वह बस उसी सफलता को प्रकाशित करके अपने आप को जाना माना ज्योतिषी कहलाता है। उसी तरह मन्नत मुरादों का महत्व भोले भाले लोगों की विस्मृति पर भी विस्मृति पर ही उभारा जाता है। ऐसी लाखों मन्नतों को जो असत्य सिद्ध उसी तरह मन्नत मुरादों का महत्व उसी तरह मन्नत मुरादों का महत्व भोले भाले लोगों की विस्मृति पर ही उभारा जाता है। ऐसी लाखों मन्नतों को जो असत्य सिद्ध हो गई हैं, विस्मृति के पर्दे के पीछे खदेड़ कर सहज रूप में किसी एक के सत्य सिद्ध होते ही जैसे कि अंधे के हाथ बटेर लगे, भोले भाले लोगों का यही विश्वास होता है कि मन्नत मांगने के कारण ही इसकी सिद्धि हो गई। इसी सफल मन्नत का चारों ओर बोलवाला होता है और जिसकी जवान पर यही होता है, देखो ईश्वर ने मन्नत पूरी की। हर कोई मन्नतों की देवी लॉटरी का टिकट दर्शनी हुंडी की साख की तरह अमोघ मानकर बार बार खरीदता है। मानवी लॉटरी का थोड़ा बहुत पैदा होता है, परंतु मन्नत बना दो कि यह देवी लॉटरी तो चमचमाता हुआ बेपैंदे का लोटा ही होती है। मानवी लॉटरी के पूर्णतः धोखाधड़ी से तो होने पर सरकार कभी कभी जालसाजी के उन चालकों को दंड देती है, परंतु देवताओं को भला कौन दंड देगा। उनके नाम पर चली हुई उन मन्नतों की देवी लॉटरी के सारे टिकट यदि झूठ सिद्ध हो गए तो भी कोई नहीं पूछता। किसी को सारी मन्नतें भी यदि असत्य सिद्ध हो जाए तो यदि कोई किसी को दोषी ठहराए तो उसे ही दोषी ठहराया जाता है जिसने धोखा खाया है। हर कोई उससे यही कहेगा, तेरी भावनाओं में ही खोट है, इसलिए ईश्वर प्रसन्न नहीं हुआ। जिस प्रकार लाहौर टिकट बेकार जाते हैं फिर भी लॉटरी का व्यवसाय तेजी से बढ़ता रहता है, उसी प्रकार लाखों मन्नतों की झूठ सिद्ध होने के बावजूद लोग बाग मन्नत मनौतियां मांगते ही रहे। गोविंद ही ने भी इन दोनों लॉटरियों के टिकट खरीदे। पहले लॉटरी का टिकट खरीदा
और फिर अपने कुल देवता मोरिया की मन्नत मांगी ताकि लॉटरी के टिकट में सफलता मिले। न केवल लॉटरी के टिकट में सफलता प्राप्त के लिए बल्कि अपने परिवार के सारे संकट दूर करने के लिए भी उसने संकट चौंत का व्रत रखा। उसी गांव में कासिम नामक एक मुसलमान था जिससे गोविंदा ग्वाला की जान पहचान थी। उसने भी लॉटरी की इस लत में कई रुपए पानी की तरह बहाए थे पर एक ढेला भी नहीं कमाया था। उसने भी गोविंदा के साथ उसी लॉटरी का एक टिकट खरीदा था। मोरिया की मन्नत गोविंदा ने मांगी थी। उसी तरह कासिम ने यह सोचकर कि वह भी खुदा की सिफारिश लॉटरी के लिए प्राप्त कर सके अपने गांव के फकीर के पास जाकर पीर की मन्नत मांगी। ऐसी बात नहीं कि मन्नतों की लॉटरियां मात्र हिंदुओं की ही बाप होती है। हिंदू एक गुना धर्म के नाम पर पागल तो मुसलमान सात गुना धर्म के नाम पर पागल। इतना ही नहीं, इसके अलावा वे आमतौर पर धर्मांध, कट्टर और धर्मोन्मत्त भी होते हैं। यदि भगवान प्रसन्न नहीं हुए तो झल्लाते हुए हिंदू ज्यादा से ज्यादा भगवान के सामने अपना ही सिर फोड़ लेंगे, पर मुसलमानों में खुदा को प्रसन्न करने के लिए दूसरे का सिर फोड़ने की मन्नत करने वाले अलाउद्दीन खिलजी अथवा माई ब्रेव मोगला ब्रदर्स जैसे लोगों की कोई कमी नहीं है। यही क्यों, राहजन, लुटेरे, ठग लोगों के भी देवी देवता होते हैं और शादी ब्याह की लूटपाट करने में यदि सफल हो गए तो किसी दूल्हे दुल्हन का खून तुम्हें अर्पित करेंगे अथवा कम से कम एक नरबली तुम्हें चढ़ाएंगे। इस तरह की मन्नत मांगते हैं और इन मन्नतों से कभी कभी भगवान अथवा खुदा प्रसन्न भी होता है। वास्तव में जिस मात्रा में उनकी फुर्ती, क्रूरता, अस्त्र शस्त्र कारगर होते हैं उसी मात्रा में डकैती में सफलता मिलती है। ईश्वर अथवा अल्लाह स्वयं कभी किसी डाके में, लूटपाट में भाग नहीं लेते। अथवा जो डाकू मन्नत मांग कर सोता है उस भक्ति के सामने भगवान या खुदा स्वयं डाका डालकर राहजनी लूटपाट की धनराशि कभी नहीं डाल दे। परंतु डाकू लुटेरे जो सफल होते हैं वे अपने ही प्रत्यक्ष प्रयासों के कारण, जबकि वे सोचते हैं कि मन्नतों के कारण सफलता उनके कदम चूमती है। लॉटरी के परिणाम की तारीख निकल चुकी थी। गोविंद अग्वाला और कासिम दोनों सवेरे से बेसब्री से डाकिए की राह पर आंखें बिछाने लगे। उसे देखते ही वे धड़कते दिल से पूछते, भाई हमारी कोई चिट्ठी है? डाकिए की तटस्थ उपेक्षा से सिर हिलाकर आगे कदम बढ़ाते ही वे उसकी ओर आंखें तरेड़ते। गोविंद तुरंत मन ही मन बड़बड़ाने लगा, किस्मत ही अपराधी है भाई, वह डाकिया स्वयं थोड़ी ही मुझे चिट्ठी लिखकर भेजने वाला है, और चुपचाप रहता। परंतु कासिम तीसरे दिन से अपनी घोर निराशा का गुस्सा उस बेचारे डाकिया पर उतारने पर तुल गया। साला कितना मगरूर है यह डाकिया, ठीक तरह से कभी देखता भी नहीं हाथ में चिट्ठी है या नहीं। इस काफिर को ही लाठी से नरम करना होगा, तब कहीं यह डाकू डाकिया सभी के खत समय पर पहुंचाएगा। 3-4 दिन और बीत गए। गणेश चौथ आ गई। उस दिन गोविंदा अपनी भैंस छोड़ छाड़ कर बाहर निकल ही रहा था कि डाकिया सीधे उसके द्वार पर आता हुआ दिखाई दिया। गोविंदा, तेरा मनी ऑर्डर आया है, डाकिया ने कहा। क्या आया है मनी ऑर्डर? और मेरा? जी हाँ, 100 रुपयों का। पूरे जीवन में पहली बार गोविंदा के नाम पर मनी ऑर्डर आया था और वह भी पूरे 100 रुपयों का। इतनी अच्छी खबर की विश्वास ही ना हो, गोविंदा के का दिल धक धक करने लगा। जैसे जैसे डाकिया बताता जा रहा था कि हस्ताक्षर आदि कहाँ पर करना है, वैसे वैसे कठपुतली की तरह वह करता गया। 100 रुपए हाथ में आने पर भी उसे इस बात का आकलन नहीं हो रहा था कि निश्चित रूप में क्या हुआ है। उसने साथ जोड़ा हुआ पत्र भी पढ़ लिया। यह बात 16 आने सच भी थी कि लॉटरी में उसका कहीं नंबर लग जाने से उसे 100 रुपए मिले थे। 100 रुपए, यह राशि बिल्कुल नकद उसके हाथ में। बाप रे बाप, जी तोड़कर कोहलू के बैल की तरह खटकर भी जिसके घर में पूरे जीवन में कमाई की इतनी मोटी रकम कभी दिखाई नहीं दी, उसे आज अचानक बिना किसी परिश्रम के 100 रुपए नकद मिल गए। बाकी लॉटरी जैसा व्यवसाय नहीं, मोरिया जैसा कोई देवता नहीं, मनो तो जैसी कोई लॉटरी नहीं। उस दिन गणेश चौथ थी, अतः उसे पक्का विश्वास हो गया कि मोरिया से जो मन्नत मांगी थी उसी का यह फल है। उसकी पत्नी तो फूली नहीं समाती थी। उसने खुशी से झूम कर कहा, जिस तरह तुम्हारी मन्नत
लौटती के रूप में सत्य सिद्ध हो गई। उसी प्रकार शंकर चौर की प्रतीति से तुम्हारी बीमारी, बेरोजगारी, पीड़ा और सारे संकट निश्चित रूप से टल जाएंगे। यह पत्थर की लकीर समझो जी, बप्पा मोरिया ने हमें खुशहाली के दिन दिखाए। इस वर्ष गोविंदा अहिर ने गणेश उत्सव भी बड़ी धूमधाम के साथ मनाया। पूरे गांव में उसे लॉटरी की रकम मिलने और यह सफलता गणेश से मांगी हुई मन्नत का ही परिणाम होने की सरस अद्भुत तथा जिसकी जवान पर नाचने लगी। कश्चिम को लॉटरी में फूटी कौड़ी भी नहीं मिली। हर कोई यह आलोचना करने लगा कि पीर से मांगी हुई उसकी मन्नत बेकार गई। इससे कासिम और वह फकीर जिसने पीर के नाम लॉटरी निकाली थी दोनों आग भभूका हो गए। यह सत्य सीखने की बजाय कि इस प्रकार की मन्नतें मुरादें इस दुनिया की सफलता के संदर्भ में व्यर्थ होती हैं, कासिम और वह फकीर गोविंदा तथा उसके मोरिया को जी भरकर पूछने लगे, देख लेंगे तेरे को भी, कहते हुए मुट्ठी कसते हुए गोविंदा को धमकाया। गोविंदा ने भी कच्ची गोलियां थोड़ी ही खेली थी। अबे जा जा कूकर भाके लाख हजार, हाथी घूमे हाट बाजार, जा जा, कहते हुए उसने कासिम को ठेंगा दिखाया। आज पूरे गांव में गणेश विसर्जन की धूमधाम चल रही है। गांव के सारे रास्ते मोरिया मोरिया की जय जयकार से गूंज रहे हैं। उन सभी जय निदानों में सबसे ऊंचा जयघोष था गोविंदा का। गणेश की अपनी छोटी सी मूर्ति अपने हाथों में ऊंच उठाकर मोरिया मोरिया गरजता गरजता वह स्वयं सबसे आगे, उसके पीछे पीछे ताली बजाते हुए उसके बच्चे इस तरह अपनी ओर से बाजे गाजे के साथ जुलूस निकाल कर गणेश जी को भी सागर तट पर ले गए ले आए। मन ही मन श्रद्धा पूर्वक गणेश जी के प्रति आभार प्रदर्शन किया। हे प्रभु मोरिया गणेश जी, लौटती में मुझे यश दिया, मेरी मांगी हुई मन्नत पूरी की, संकट चौथ का व्रत भी सफल करके तुमने मेरे संकट का अवश्य निवारण किया। गणपति बब्बा मोरिया अगले वर्ष जल्दी वापस आना। इस प्रकार के बड़े गर्जन तर्जन के साथ उस छोटी सी मूर्ति को हाथ में लेकर वह सागर में कूद पड़ा। और भी पांच दस भजे हुए तैराक अपनी मूर्ति उठाकर सबसे आगे तैरते हुए विसर्जनार्थ निकल पड़े। गोविंदा मजा हुआ तैराक था, वह तो सबसे ही आगे निकल गया। सांस झड़ने लगी। इतने में सागर की दो तीन लहरें अचानक ऊंची ऊंची पर्वत प्राय उछली और इतनी फुफकारती हुई टकराने लगी कि तैरने वाले लोग झट से उन लहरों पर छोड़कर जैसे तैसे किनारे पर लौट गए। पर गोविंदा वह क्यों पीछे रह गया? उसके बच्चे सिंधु पुलिन पर प्रसाद बांटते हुए भटक रहे थे, उछल कूद कर रहे थे, वापस लौटे हुए लोगों से भी पूछ रहे थे, चाचा जी हमारे बापू किधर हैं? बातों ही बातों में हर कोई पूछने लगा, भाई गोविंदा कहाँ है? इतने में वह आदमी जो तैरने वाले में सबसे आखिर में किनारे लगा था जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे डूब गया गोविंदा, डूब गया, लहरों के शिकंजे में आकर लहरों की कैंची में दब कर वह डूब गया, आगे वह मुझे बिल्कुल दिखाई नहीं दिया। पुलिस ने कश्तियां छोड़ी यहाँ वहां की हर तरफ इसी से रो गए, लेकिन कुछ पता नहीं चला। गोविंदा गणेश की मूर्ति को सबसे आगे विसर्जित करने की होड़ में सागर की तूफानी लहरियों में गुम हो गया। गणेश जी सीधे गोविंदा को निर्धाम में जो कैलाश में था ले गए। गणेश जी के साथ यथासंभव आगे बढ़ते बढ़ते गोविंदा सीधा कैलाश की ओर चल गया। हाँ गोविंदा कैलाशवासी हो गया। गोविंदा की जिस आंगन में तीसरे पहर उमगा उमगा सा आंदोलनास आनंदोल्लास का लरसता गरजता बाजे गाजे के साथ जुलूस निकला, उसी आंगन में सांस झलते ही एक कोहराम मच गया। उसकी पत्नी दहाड़े मार मार कर रो रही थी। पास पड़ोस की महिलाएं उसे और उसके बच्चों को समझा बुझा कर ढाड़स बांध रही थी। सभी का सर मिलकर एक शोर हो गया। जो मन्नत मांगी थी उसे पूरी करके विघ्नहर्ता से रूप में जिस मोरिया को बाजे गाजे के साथ घर लाया था उसे ही तड़क भर से वापस ले जाते समय इस तरह महाविपदा का सामना करना पड़ा। हाय हाय हे प्रभु, तुमने मुझसे इस तरह क्यों घात किया? इस तरह प्रश्न पूछती हुई बेचारी गोविंदा की पत्नी बिलक बिलक कर रो रही थी। उसका पुरोहित पंडित पांडुरंग पुथर आकर उसे यथासंभव ढांढस बांधने लगा तो वह और भी अधिक झटपटाती हुई गला फाड़ फाड़ कर रोने
पंडित जी मेरे गोविंदा ने कैसे कातर भाव से अभी अभी भगवान से प्रार्थना की थी, गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा प्रणाम, अगले वर्ष जल्दी आना। पंडित जी अब अगले वर्ष गणेश जी तो अवश्य पधारेंगे, पर मेरा गोविंदा अपना, हाय रे भगवान हाय। पंडित पांडुरंग की आंखें झलझला उठी, उन्होंने अपने उत्तरीय से आंखें पहुंच डाली। इतने में क्यों पंडित पांडुरंग जी आप आंसू क्यों बहा रहे हो भाई, अब अपने मोरिया के नाम से रो पड़ो, भाग्य के नाम से क्यों आंसू टपकाते हो। उस कुटिया के आंगन की हरी हरी डूब पर मगरूरी के साथ अपनी गर्दन का फन उभार कर कासिम खड़ा था, जैसे अभी अभी दसने को तैयार फन फैलाए नाग। तुम्हारा मोरिया मन माँ की मुराद पूरी करता है ना, इस गोंधा के तमाम विघ्नों का वह हरण करने वाला था ना, लौटती का टिकट तो दे दिया पर प्राण हरण करके चलता बना। ये तुम्हारी मिट्टी के देवता देखो तो सही, अब फेंक दो उस मिट्टी को और भजो हमारे पीर को। हमारे खुदा से जो मन्नत मांगते हैं उससे कम से कम प्राण तो हरण नहीं किए जाते। गोंधा तो चल बसा जो मोरिया को भसता है, पर मैं ये कासिम जो अब जिंदा है, जो मोरिया को पत्थर कहा करता है, सच्चा है मेरा पीर और अब काटा यह अल्लाह तौबा तौबा। अधूरा छोड़कर कासिम ने इस तरह जोर जोर से चीखते हुए अपने पैर पर फट फट झटका दिया। एक भयंकर नाक सट से नीचे गिर पड़ा, जिसने उसकी टांगों से लपट कर जोर से डंक मारा था। उस हरी भरी डूब में से फुसफुस आते हुए वह सब सपा सब खिसक गया और मंद मंद चांदनी की एक किरण से निकट बढ़ती खेत के बिल में जाते हुए साफ साफ दिखाई दिया। कासिम ने तड़प तड़प कर वहीं दम तोड़ दिया। ईमानदारी के साथ चली लॉटरी में तो टिकटों का सफल होना अटल ही है। गोंधा को इसलिए पुरस्कार मिला कि उसका टिकट उठाया गया, कासिम को इसलिए नहीं मिला कि उसका टिकट नहीं उठाया गया। इन दो घटनाओं को सुलझाने के लिए यह साफ सारे कारण सब भाव पर्याप्त है। इसके अलावा भला मन्नतों के कौन सा तीर मारा, कौन सा कार्य कारण संबंध उसके द्वारा खुल गया जो एक बुद्धिग्राह हो। एक की मन्नत मनोती सफल हो गई तो दूसरे की विफल, और मन्नत मनोतिया का ढकोसला जिस यूरोप में आज नष्ट प्राय हो चुका है, उसमें सैकड़ों लॉटरियों में हजारों लोगों को बिना मन्नत मांगे पुरस्कार मिलते हैं। गोविंदा को उसके समाधि मिली, हरे सागर में उसकी तैरने की शक्ति समाप्त हो चुकी थी, गुरुत्वाकर्षण का नियम मोरिया पलट नहीं सका। कासिम ने इसलिए दम तोड़ दिया कि सांप की पूंछ पर उसका पांव पड़ गया, सांप ने काटा और उस जहर को उतारने की दवा उसे यथा समय नहीं मिली। शारीरिक नियमों को अल्लाह